अच्छा सर। तो आउटलुक, तो आउटलुक को समझिए। आउटलुक मेलिंग के लिए ही नहीं और भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है। सबसे पहले आउटलुक में आप एक ही आउटलुक के अंदर कई सारे मेल को कंसीडर कर सकते हैं। एक ही आउटलुक के अंदर कई सारे मेल को कंसीडर आप कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसमें पॉप थ्री या जो पर्सनल मेल्स होते हैं उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे मुझे मान लीजिए इस पे क्लिक किया तो ये मेरे जिस जिस मेल आईडी से आपका मेल आया है उस मेल आईडी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मेरे इसमें 15,000 मेल है, इसमें मेरे पास इसमें 3,000 के आसपास मेल है। तो सारे मेल्स जो है इस तरह से कंडीशन कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आउटलुक में देखिए, तो यहाँ आपके साथ एक डैशबोर्ड दिखाता है कि आउटलुक में क्या क्या है। टोटल 6 मेल है, ड्राफ्ट में 12 है, आउटलुक में 2 है, पूरा दिखाता है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, तो इनबॉक्स में सारे मेल्स आए हुए हैं। 6 जो दिख रहा है ये अनरीड मेल कहलाते हैं कि ये मेल अनरीड है। यहाँ देखिए ऊपर 6 मेल अनरीड है, इसको रीड नहीं किया गया। उसके बाद ऐसे मेल जो कि मैंने ड्राफ्ट किए हैं पर भेजे नहीं, मतलब मैंने कंपोज किया सब कुछ डाला लेकिन हमने सेंड के जगह पे कैंसिल कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट हमारा वो ड्राफ्ट में आ जाता है। फिर जो भी मेल डिलीट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस मेल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, चाहे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट कर दिया, तो ऐसे मेल हमारे डिलीट आइटम में चले आएंगे। लेकिन अगर मैं एक बार राइट क्लिक करके डिलीट फोल्डर पे एम्प्टी फोल्डर चल गया तो फिर डिलीट से भी आपका निकल जाएगा। तो पहले आप डिलीट करेंगे तो डिलीट फोल्डर में आएगा, आप डिलीट से भी डिलीट कर देंगे तो फिर आपका वो मेल डिलीट हो जाएगा और फिर नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद अगर मेल को आर्चिव किया तो आर्चिव में आएगा, जंक मेल है तो जंक मेल में आएगा। अगर ऐसे मेल जो आपने भेजा लेकिन वो किसी कारण से नहीं गया वो यहाँ नहीं आएगा आपका। कुछ आरएसएस फीड वगैरह अगर आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आरएसएस फीड वाले फोल्डर में आएंगे। तो ये आपका मेल का स्ट्रक्चर होता है, जिस मेल फोल्डर के आप यूज करना चाहते हैं उस मेल फोल्डर से कर सकते हैं। अब जैसे कई सारे मेल है तो मैं मेल भेजूंगा तो किससे जाएगा? देखिए जब आप अकाउंट में जाते हैं ऑप्शंस पे, तो ये माफ कीजिएगा अकाउंट ऑप्शन नहीं, यहाँ पे फाइल के अंदर या अकाउंट अकाउंट सेटिंग में आते हैं इन्फो के अंदर, तो ये आपका दिख रहा होगा ये मेल डिफॉल्ट है, iptdelhi123@gmail.com डिफॉल्ट है। मैं इसको सेट एज ए डिफॉल्ट मैंने अगर आईपीटी इंडिया कर दिया तो अब आईपीटी इंडिया मेरा डिफॉल्ट हो गया। तो जब भी मेल कंपोज करेंगे, न्यू मेल करेंगे, तो आपका ये देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आया। हालांकि आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं कि किसकी ईमेल आईडी से भेजना चाहते हैं। तो ये आपके कई सारे मेल होने से ये आपका फायदा होता है। जिस मेल बॉक्स में देखना है उस पे जाके आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है सर? और हमने मेल का सेटअप वगैरह भी यहाँ से कर लिया हुआ है, मेल की सेटिंग वगैरह भी हमने हमने बताया था आपको कि यहाँ से जाके मेल कॉन्फ़िगर न्यू पे क्लिक करके कर सकते हैं। कई सारे मेल, किसी मेल को डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं, पीएसटी अलग करना, वो सब चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। कि मान लीजिए कि आप पीसी चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना सर, तो आपके पुराने मेल का बैकअप चाहिए होगा तो यहाँ से उठा सकते हैं, आपका मेल का बैकअप पूरा यहाँ जा रहा है। तो आगे क्लास में सिखाऊंगा मैं इसके बारे में। अब बात करते हैं न्यू मेल कंपोज करना, क्योंकि सबसे पहले यही जरूरी है कि हम क्या नया मेल कंपोज करें। तो न्यू पे क्लिक करें तो ऑलरेडी मेल होगा, मेल के अलावा और भी है जैसे कि चैट, अपॉइंटमेंट, मीटिंग, कोटिंग, टास्क, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज यहाँ पर है। तो डायरेक्टली हम अभी फिलहाल इस सब पे नहीं जाते, हम न्यू मेल पे क्लिक करते हैं। जब न्यू मेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ फ्रॉम आ जाए, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे आपके फ्रॉम आएंगे कि जो फ्रॉम यहाँ पे देख रहे हैं आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टू में अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हो, क्लिक करते ही जो ईमेल आईडी आप यूज करते हो उसका लिस्ट आएगा तो उस पर क्लिक करते क्लिक हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आप टाइप करेंगे नीचे अगर मेल आईडी आपके कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में या फिर इससे पहले आपने मेल किया होगा जैसे जीमेल में होता है ना
सेम यहाँ से एक सस्ते से अमाउंट मेल आई डी यहाँ पे सेमी कॉलन के साथ डाल सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो नीचे अंडरलाइन लग गया ना, मतलब उसको एज ए मेल आई डी इसने कंसीडर कर लिया, और जिसमें नहीं लगा है, देखिए नहीं लगा मतलब कि इसने ईमेल आईडी को कंसीडर नहीं किया है। क्लियर है? ठीक है सर, क्योंकि वो चेक करता है कि ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड ऐसा नहीं कि वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये चेक नहीं करता है। वैलिड जैसे कि कई सारे डॉट्स नहीं होने चाहिए, एट द रेट होना चाहिए, लास्ट में डॉट कॉम होना चाहिए या डॉट डीन डॉट आईओ ऐसा कुछ होना चाहिए, ये सब चीजें चेक करता है। तो एक बता दो, सीसी सीसी होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कॉपी टू। जैसे मान लीजिए कि मुझने मुझे आप कोई काम भेज रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपने मुझे काम भेजा है, इसकी एक्नॉलेजमेंट आप जो है किसी और को भी देना चाहते हैं, ताकि कल के डेट में मैं झूठ ना बोलूं कि मैंने काम नहीं भेजा है, आपने मुझे काम नहीं दिया, तो सीसी की जगह आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद बीसीसी भी होता है। तो जैसे आप मान लीजिए 100 लोगों का मेल करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हो कि कोई ऐसा बंदा आपके मेल को ना देख पाए, मैंने मेल को नहीं देख पाए खाली मतलब है किस किस को आपने मेल किया है वो ना देख पाए, तो हम यहाँ पे बाउंस का यूज करते हैं। तो मैसेज में यहाँ का बाउंस आता है, मैसेज ऑप्शन सॉर्ट बीसीसी नहीं आ रहा, अटैच फाइल सिग्नेचर सैंपल, पहले ऊपर ही आ जाता था। सिग्नेचर न्यू टेम्पलेट एडिटर रिक्वेस्ट लाइन नहीं, तो इंसर्ट में आना चाहिए। मेंजा कैलेंडर टेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेट टेक्स्ट रिव्यू सीनेज, इसमें ये बाउंस बैक हटा दिया है क्या नए फीचर्स में? देखिए कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है सर, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप एक्सेल यहाँ ऑप्शंस के अंदर चले जाए, ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ मिल जाए, यहाँ आप चले जाए कस्टमाइज रिबन। अब यहाँ पे कई सारे हैं, तो यहाँ पे नॉट कमांड इन द रिबन, तो यहाँ देखिए बीसीसी होना चाहिए, नहीं है। ये रहा ना बीसीसी, ठीक है सर, ये नहीं था कि क्लिपबोर्ड में। फिर हमने ऑल मैसेज के अंदर हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, न्यू मैसेज के अंदर ऑप्शंस में, सॉरी ऑप्शंस के अंदर इसको ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू ग्रुप नहीं लिया, न्यू ग्रुप लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। अब आप ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ बीसीसी दिख जाएगा, बीसीसी क्लिक करते हैं, बीसीसी का नया ऑप्शन आ गया। ओके सर, तो बीसीसी मतलब ऐसे लोगों को मैं भेजना चाहता हूं जो और उस जो मैं मेल देख न पाए कि मैं किस किस को भेजा, तो बीसीसी में डली गई मेल आईडी किसी को नहीं देख पाएगा, लेकिन टू और सीसी वाला देख सकता है कि किसको टू और किसको सीसी किया गया है। ठीक है सर, बट आप देख सकते हैं कि आपने किस किस को भेजा है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ डालते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट आपका है कि सीसी में अगर हम लोग ऐड नहीं करेंगे किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐड जैसे कि करना। बीसीसी देखिए में ऐड किया है सिर्फ टू में ऐड करना सीसी जरूरी वाले है, देख सकते हैं कॉपी
वही तो बोल रहा हूँ कि आप टू में ऐड करना चाहते टू में ऐड करना जरूरी है, टू के बाद सी 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 बी सी सी इसमें ऐड करना कोई जरूरी नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट है तो ऐड कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐड नहीं कीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डियर ऑल यस डाल दिए यहाँ पे, और फिर यहाँ आप नहीं डाल देते कि प्लीज फाइंड, अभी अटैच आ गया, टैब प्रेस कीजिए अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कोई फाइल अटैचमेंट करनी है तो फाइल अटैचमेंट के लिए वही सिंबल है जो आप जीमेल में देखते हैं, अटैच फाइल। तो अटैच फाइल में एक तो है कि यहां से आप नीचे ब्राउज कर सकते हो, इसके अलावा जो रिसेंटली आपने फाइल यूज किए हैं उसका लिस्ट यहां दिख जाएगा कि आप उसको क्लिक कर लीजिए वो अटैच हो जाएगा, और एक से ज्यादा फाइल भी आप अटैच कर सकते हो। फोल्डर वगैरह अटैच नहीं कर सकते, आप बोलेंगे फोल्डर अटैच कर, नहीं, हाँ फोल्डर को जिप में डाल के आप अटैच कर सकते हो, ठीक है सर, क्लियर है। सर। अब मैं इसको यहां से सेंड कर देता हूं, क्या करता हूं सेंड कर देता हूं। सेंड होने के बाद ईमेल सामने वाले पर्सन को चली जाएगी जिसका इसका मैंने मिला ही डाला है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि यहां मेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहां पे यहां देखिए ऑल फोल्डर अप टू डेट आ गया, मतलब सारा मेल चला गया। आउट बॉक्स में जाके देख सकते हैं मेल है तो नहीं, और सेंड आइटम में चेक कर लीजिए कि अपना मेल आपका मेल चल गया। सेंड आइटम में क्लिक कीजिए, ये मेरा मेल चल गया। अब इस मेल पे डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ये मेल मुझे देख सकते हैं। अब इसमें कोई एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको आप यहां से रिप्लाई करना चाहते हैं रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई करेंगे सिर्फ तो टू वाले को रिप्लाई होगा, रिप्लाई और करेंगे तो टू और सीसी दोनों को रिप्लाई होगा, फॉरवर्ड करेंगे तो इसमें आपके ईमेल किसी और को भेजना चाहते हैं तो अपना नंबर वगैरह सेलेक्ट करना। उसके अलावा यहाँ पे मीटिंग वगैरह इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, फॉरवर्ड विद एज अटैचमेंट, तो ये मेल को अटैच करके किसी को भेज देगा, ठीक है। डिलीट करेंगे तो मैरिज डिलीट हो जाएगा, आर्चिव करेंगे तो मेरा आपके आर्चिव में चला जाएगा, मूव करके किसी फोल्डर में भेज सकते हैं, हालांकि फोल्डर भी हमने नहीं बनाया है, फोल्डर बनाना आगे क्लास में सिखाऊंगा, तो इसको कर सकते हैं। रिप्लाई वही है जो बाहर है आपका, मार्क एज अनरीड, इसको अनरीड मार्क कर सकते हो, या फिर आप दे सकते हो कैटेगरी, क्या कैटेगरी है, प्रायोरिटी सेट कर सकते हो क्या प्रायोरिटी है, अगर रीड करना है तो क्लिक करेंगे तो ये रीड कर देगा आपको, Dear all, वॉल्यूम दे दीजिए उस please वॉल्यूम में find रीड कर attached file. ठीक है। अभी नहीं रीड कर रहा है क्योंकि मेरा स्पीकर ये माइक तो सर बंद है मेरा, मैंने यहाँ पे कर दिया। ये स्पीड है, एडिंग स्पीड, फीमेल की आवाज है, अब मैं इसको कम करता। Thanks and regards. Regard. Regards. Regards. ये स्पीड Sujit सही है। Kumar. +918802579388. ठीक है सर, Please मिल गया। find attached file. Thanks and regards. Sujit Kumar. +918802+918 Thanks and regards. फिर Thanks से and बैक फॉरवर्ड कर please सकते find हैं, attached file. ठीक है। तो पूरा मेल आपको पढ़ के सुनाएगा रीड राउटर, ठीक है ना। इम्प्रेसिव रीडर है ये आपका, ये अलग तरीके से पढ़ेगा। बाकी जो नॉर्मल चीजें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, जूम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ रूल्स वगैरह है तो आगे बताऊंगा मैं आपको। इसको जंक में भेजना है, जंक में भेज सकते हैं आप इसको, और मीटिंग वगैरह में भेज सकते हैं, आर्चिव पर बात वही है रिलेटेड, बाकी चीज वही है जो बाकी चीजें थी इसमें, और कोई खास नहीं है, ठीक है। फाइल के अंदर भी आपका वही है जो फाइल में आपका होता है। यस यहाँ पे सर। एक होता है मूव टू फोल्डर, ये होता है ओपन डिलीवरी रिपोर्ट, मैं ये मेल डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ इसकी रिपोर्ट ओपन करना है, तो डिलीवरी रिपोर्ट आपको ओपन करके दे देगा, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ होता है रिकॉल। अगर आप रिकॉल कर लेंगे तो अगर उसने मैसेज को नहीं पढ़ा होगा तो ये मैसेज उसका डिलीट कर देगा। देख रहा है, डिलीट एंड अनरीड द कॉपी मैसेज, समझे? तो जिसकी इनबॉक्स में गया है उसके यस इनबॉक्स से सर, डिलीट कर, बस बशर्ते वो भी आउटलुक इस्तेमाल कर रहा हो। और वो जीमेल अगर इस्तेमाल करेगा तो रियल नहीं करेगा सर, राइट सर? तो अभी हमने नॉर्मली सिंपली यस बताया आपको आपका, और हम अगली क्लास में आपके साथ पूरा ईमेल करना, चीजें करना सिखा देंगे, ठीक है ना सर?